हेलो फ्रेंड्स मोनिटर अकेडमी आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम गोयटर पढ़ने वाले हैं सो बेसिकली फ्रेंड्स जो ये कंडीशन है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स कॉजेस और इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं वो सारा है, इसमें डिस्कस करने वाले हैं तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अ कंडीशन दैट इंक्रीज द साइज ऑफ योर थारॉयड इज कॉल्ड अ बेटर सो वर्टर एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है आपका जो थारॉड होता है ग्लैंड होता है उसका साइज क्या होता है इंक्रीज हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स अ गोयटर में डेवलप इन एनिमल बट इज मोर कॉमन इन वुमेन गोइटर मोस्ट कॉमन होता है वुमेन्स के अंदर कि ये डेवलप हो सकता है ठीक है समटाइम्स इट एफेक्ट फंक्शन ये क्या करता है थेक्ट करना स्टार्ट कर देता है सिम्टम्स अब इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है फ्रेंड्स गोइटर के द प्राइमरी सिम्टम्स इज अ गोइटर इज नॉट इवेलिंग इज योअर नेक आपकी जो गर्दन है वहां पर क्या होगी स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो आप उसको लोकेट करेंगे ठीक है इफ यू हैव डल ऑन योर था मे रेंज इन साइज इन वेरी स्मॉल इट वेरी लार्ज टू वेरी लार्ज तो क्या होगा आपका जो ग्वेटर होता है बेसिकली क्या होता है उसका साइज काफी बड़ा हो जाता है जहां पे आपका थारॉड ग्लैंड है थायरॉड ग्लैंड क्या होता है धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो आप उसकी स्वेलिंग को मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा की जो आपका थारॉड है वो क्या हो रहा है थायरोड ग्लैंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है ठीक है द प्रेजेंस ऑफ नोडल्स में इंक्रीज द अपीयरेंस ऑफ स्वेलिंग जो नोडल्स है नोडल्स क्या है जब वो इंक्रीज होना स्टार्ट करे तो वहां पे आपको स्वेलिंग दिखनी स्टार्ट हो जाएगी तो फ्रेंड्स यहाँ पे अदर सिम्टम्स इंक्लूड दी फॉलोइंग यहाँ पे अदर सिम्टम्स भी इंक्लूड है देर इज डिफिकल्टी स्वेलिंग और ब्रीथिंग आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है ठीक है स्वेलिंग अगर हो रही है तो कफिंग भी हो सकती है आपको और हॉर्सनेस इन योर वॉइस आपकी वॉइस में भी दिक्कत आ सकती है डेजिग्नेस विन योर रेस योर आर्म्स अब योर हैड अगर आप डेजिग्नी हो सकती है अगर आप अपने हाथों को अपनी हेड से ऊपर उठाते हैं तो कॉजेज ऑफ गोर्टर गोर्टर क्या क्या कॉजेस हैं आयोडिन डेफिशिएंसी इज द मेन कॉजेज ऑफ गर्टर आयरन की डेफिशियंसी हो जाती है बॉडी के अंदर तो बहुत ही बड़ा कॉजेज है वो गोर्टर का ठीक है सो आयोर्डिन एसेंशियल टू हेल्प योर थायरॉइड प्रोड्यूस थायरॉय हॉर्मोन्स जो आयोडीन होता है बेसिकली वो हेल्प करता है थायरोड प्रोड्यूस करने में ठीक है जो हॉर्मोन्स है उसको सिक्रेट करने में हेल्प करता है सो वेन यू डिड नॉट हैव इनफ आयोडीन द दारोड वर्क्स एक्स्ट्रा हार्ड टू तो मेक थायरॉइड हॉर्मोन्स तो क्या होता है अगर आपकी बॉडी में थायरॉइड की कमी है तो क्या करता है हमारे जो ग्लैंड है थायरोड ग्लैंड है उसको प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है ठीक है फ्रेंड्स ग्लैंड टू ग्रो लार्जर तो क्या होता है इसके बाद जो ग्लैंड है वो काफी लार्ज होना स्टार्ट हो जाता है अदर कॉजे इंक्लूड और भी इसके ग्रेविस प्रोड्यूस मोर थायरोड हॉर्मो ग्रविस डिजीज में क्या होता है फ्रेंड्स अगर आपका थारमोन जो है आपका था ग्लैंड जो है वो थायरोड हॉर्मोन जो है काफी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो विच इज नॉन एज हाइपर थायरोडिज्मीक है तो अगर आपका जो ग्लैंड है थारॉइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उस कंडीशन को क्या करेंगे हाइपर था ठीक है इस कंडीशन को करेंगे हाइपर ठीक है फ्रेंड्स तो था एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स मेक दायरॉइड इंक्रीज इन साइज अब एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है हॉर्मोन्स की तो क्या होगा इससे थायरोइड ग्लैंड जो है वो बड़ा हो जाएगा ठीक है इंक्रीज जाएगा स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी नॉडल्स नॉडल्स क्या है सॉलिड और और फ्लूइड कंटेनिंग सीट्स में अपीयर ऑन दी थायरॉय एंड कॉजेज इट टू स्वेल दैट वेन ऑफ़न नॉन कैंसरस ये क्या होता है नॉन कैंसरस होते हैं ये सॉलिड होते हैं इसमें फ्लूड भरा होता है ठीक है ये स्वेलिंग होती है ठीक है जिसके अंदर बाहर से आपको सॉलिड दिखेगा अंदर से क्या होगा इसके अंदर फ्लूड कंटेन करता है इसको हम नूडल्स कहते हैं ठीक है थायरोयड कैंसर थायरॉइड कैंसर क्या कैंसर में अफेक्ट दी थारॉइड ठीक है कैंसर अफेक्ट करता है थायराइड को एंड विच कॉज एज स्वेलिंग ऑन वन साइड ऑफ द ग्लैंड यानी ग्लैंड के जो वन साइड में है ये क्या करता है स्वेलिंग कॉज करना स्टार्ट कर देता है थायराइड कैंसर इज नॉट एज कॉमन एज द फॉर्मेशन ऑफ बेनाइन नूडल्स ठीक है ये क्या है जो कैंसर है इज नॉट एज कॉमन फॉर्मेशन ऑफ बेनाइन नूडल्स बेनाइन नूडल्स की तरह ये कॉमन नहीं है ठीक है तो इसके अंदर क्या है बेनाइन क्या क्या होता है? है ये तो करता अंदर अंदर ट्यूमर फॉर्म कर देता है ठीक है ट्यूमर फॉर्मेशन कर देता है बट ये जो कैंसर है ये जो cancer, जो आपको शो वो आउटर में तो मे यू मे बी रिस्क फॉर अ गोइटर इफ यू अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ थाइड कैंसर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में थारॉइड कैंसर है नॉडल्स एंड अदर प्रॉब्लम अफेक्ट द थारयड क्या होता है अगर आपके फैमिली में कभी थायरॉइड हिस्ट्री रही है नॉडल कैंसर रहा है ऐसी कोई प्रॉब्लम रही है जो थारॉइड से अफेक्टेड हो तो क्या हो सकता है आपको भी हो सकता है गोइटर ठीक है सो डोंट गेट इन आयोडीन इन योर डाइट आपको डाइट में इनफ आयोडीन नहीं लेना है ठीक है अगर आपकी बॉडी में पहले से ही आयोडीन है सो हैव अ कंडीशन दैट डिक्रीज दिन इन योर बॉडी अगर आपकी ऐसी कंडीशन हो गई है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आयोडिन की कमी होती जा रही है तो उस कंडीशन में भी आपको गोयटर होने के चांसेस है आर फीमेल फीमेल वुमेन वो, हैव अ हायर रिस्क फॉर ग्वेटर देन मैन मैन के अकॉर्डिंग में वुमेन को ज्यादा चांसेज होता है कि उनको की उनको गोयटर की प्रॉब्लम हो सकती है सो हैव रेडिएशन थेरेपी इन नेक और चेस्ट एरिया रेडिएशन में चेंज द वे योर थायरॉइड फंक्शन अगर आपको ई रेडियन थेरेपी ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपका जो थारॉयड फंक्शन है जो आपके हार्मोन का जो फंक्शन है वो क्या हो सकता है चेंज हो सकता है जिसकी वजह से आपको गोइटर की प्रॉब्लम हो सकती है सो so, फ्रेंड्स इसका डायग्नोसिस क्या क्या है डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे हम सो योर डॉक्टर विल चेक दी नेक एंड अर फोर्स वेलिंग देर विल ऑल्सो ऑर्डर द नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्लूड दिस ब्लो तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर आपका चेकअप करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको परफॉर्म करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट में कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स ब्लड टेस्ट कैन डिटेक्ट चेंज इन हॉर्मोन लेवल्स एंड दैट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूज इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और इंजरी और ओवर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम अगर आपका हार्मोन लेवल बढ़ गया है बॉडी के अंदर था हार्मोन बढ़ गया है तो वो आप टेस्ट के जरिए एक थारॉयड प्रोफाइल होता है T3, T4, TSH. आप वो करवा सकते हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू कितनी ऊपर है कितनी हाईर है कितनी लो है ठीक है या फिर नॉर्मल है तो इससे ये पता चलता है ब्लड टेस्ट है कि आपके अंदर कितना हार्मोन है ठीक है चेंजेस हुए हैं नहीं हुए हैं स्कैन स्केन स्कैन में क्या पता चलेगा योर डॉक्टर मे ऑर्डर स्कैन

आवाता है हमारा अल्ट्रासाउंड हम इस केस में अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं एन अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस इमेज ऑफ योर नेक द साइज ऑफ योर गार्डर देयर आर नॉडल्स ओवर टाइम द अल्ट्रासाउंड कैन ट्रैक चेंजेस इन दोज नॉडल्स एंड द दर सो so, नॉडल्स और गॉर्डर को ट्रैक करने के लिए बेसिकली अल्ट्रासाउंड किया जाता है इसके अंदर उसका साइज पता चल जाता है ठीक है उसका साइज पता चलता है और उसकी जो ट्रैकिंग है किस तरह से वो नोडल्स चेंज हो रहे हैं ठीक है सो इसके अंदर क्या है गोयटर का साइज पता चलेगा आपको अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं इस केस में इस केस में बायोप्सी भी होता है फ्रेंड्स अब बायोप्सी इज अ टेकिंग स्मॉल सैंपल ऑफ थायरॉइड एंड नोडल इज दैट सैंपल आर सेंट टू तो अ लेबोरेटरी फॉर एग्जामिनेशन हम इस केस में बायोप्सी भी कर सकते हैं फ्रेंड्स बायोप्सी के केस में क्या होगा आपका थोड़ा सा गोयटर का जो सैंपल है वो आपसे लिया जाएगा एंड देन लेबोरेटरी ले में क्या होगा एग्जामिन के लिए भेज दिया जाएगा ठीक है जब रिजल्ट आने पर फिर वो आपको टेक्ट करेंगे कि आपको ये चीज है या नहीं है सो फ्रेंड्स इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें ट्रीटमेंट में आप अपनी सेफ्टी के लिए आय कम कर सकते हैं या फिर आपके अंदर आयोडीन है तो आप उसे अगर आपके अंदर आयोडीन नहीं है तो वो अपने आयोडीन की मात्रा को सही से तरीके से ले सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि इस केस में बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप नहीं कर सकते अगर आपको गोइटर है तो वो आयोडिन की कमी से भी हो सकता है और ज्यादा आयोडिन लेने से भी हो सकता है तो अगर आपको ज्यादा आयोडिन लेने से गोइटर है तो अगर आपने और आयोडिन ले लिया तो आपका गोइटर क्या हो सकता है इंक्रीज हो सकता है उसमें लोब्स भी बन सकती है ठीक है फ्रेंड्स तो ये थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो ट्रीटमेंट है वो आपको लेनी है सर्जरी भी होती है इस केस में पर फ्रेंड्स आपको आयोडिन अपने खाने में कम लेना है ज्यादा लेना है कब लेना है ये आपके डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेंगे ठीक है फ्रेंड्स बिना डॉक्टर की कंडीशन के आप ट्रीटमेंट का कुछ भी नहीं सोच सकते सो फ्रेंड्स हमारा जो गोइटर है वो यही फिनिश होता है बहुत ही अच्छा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये इसमें आप जितना भी पढ़ेंगे उतना कम है फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में